है एक स्पेल इससे पहले भी हुआ है और एक स्पेल जो है वो अभी भी चल रहा है, जो कल तक प्रेडिक्शन है कि कल शाम तक जो है वो चलेगा। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमारी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं। उनमें सबसे पहले जो है हमारी कनेक्टिविटी, चाहे वो कनेक्टिविटी आप रोड की ले लें या बाकी चीज़ों के लिए, तो उसमें नेशनल हाईवे जो है वो हमारी 4-5 जगहों से जो है वो वहाँ पे शूटिंग स्टोन प्लस लैंडस्लाइड जो वहाँ है। उसमें अगर आप नाशरी से टूवर्ड्स बनिहाल जाते हैं तो सबसे पहले डलवासी आ जाता है, उसके बाद जो मेहाड़ वाला हमारा एरिया है, उसके बाद आगे सेरी वाला एरिया है, आगे अगर आप जाते हैं तो हिंगनी आ जाता है, हिंगनी के बाद किश्तवाड़ी पत्थर आ जाता है। तो इन जगहों पे हमारी नेशनल हाईवे जो है वो शूटिंग स्टोन भी आए हैं, लैंडस्लाइड भी हुई है और ब्रेकडाउन भी हुई है। तो एहतियातन तौर पे, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, अभी रिसेंटली सुबह भी जो है हमारे कुछ नेशनल हाईवे के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे, उनकी गाड़ी पे भी पत्थर आया। तो हमने अभी जो भी रेस्टोरेशन का काम है वो रोक दिया है, इसलिए ताकि शूटिंग स्टोन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो किसी भी ऑपरेटर को या इंसानी जान को कोई नुकसान ना हो। तो जो ही बारिश थमेगी तो नेशनल हाईवे पे काम किया जाएगा, इसको थ्रू किया जाएगा। दूसरा, हम अगर देखें बात के जो हमारे गूल वाला जो एरिया है, मेनली जो खड़ी वाला एरिया है, कुछ राजगढ़ का है, कुछ बटोत का कुछ एरिया है, या जो अपर बेल्ट है हमारे सनासर हो गया, इससे आगे वाले जैसे गांधरी वाला आपने देखा है, तो गांधरी में भी एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड है जो काफ़ी पिछले 2-3 सालों से चल रही है। तो वो पिछली बार भी बारिश में बंद हुई थी, हमने रिस्टोर की थी, तो इस बार और ज़्यादा जो है अभी हमने प्रिकॉशनरी तौर पर बंद किया है। गूल का जो एरिया, वहाँ पर भी आपको पता छपरा नाला है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आता है, वहाँ पर काम भी चल रहा है, लेकिन काम जो है कम्प्लीट होने में 1 साल लगेगा। तो वो भी अभी जो है फ़िलहाल अभी पानी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा बंद हुआ है, लेकिन उसको भी टाइमली खोल देंगे।